वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपन लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। देखो, सिद्ध करें कि या प्रूफ दैट एक ही बात हुआ, तो LHS इक्वल टू RHS आप प्रूफ करो, या RHS इक्वल टू LHS प्रूफ करो, या तो इसको अलग करो इसको अलग करो, कुछ भी तरीका से आप कर सकते हो। ठीक है, नंबर सेम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखूँ LHS। LHS को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स बाँ पो यानी कि बाया पक्ष। ठीक है, बाया पक्ष ये हुआ ना, बाया हाथ इधर आता है ना, बाया देखे दो हाथ हुआ ना, तो ये क्या होता है बाया हाथ, और ये क्या होता है दाया हाथ, जिसे लिखते हैं मतलब अभी फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं RHS यानी कि दाया हाथ, और इधर क्या होता है LHS। तो इधर हुआ ना LHS, ये हुआ ना RHS, तो ये LHS है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे LHS, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो उतना लंबा नहीं लिखे, शॉर्टकट में लिखते हैं LHS। ठीक है, अच्छा इसको उतारेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक मतलब सेक उसका थीटा का फॉर्मूला क्या होता, क्या होता है एक बटे कोस उसका थीटा। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा सेन उसका थीटा। क्लियर, बराबर दूंगा फिर लकीर खींचूंगा। देखो दोनों अलग अलग है, तो दो तीन का लघुत्तम छः होता है, पाँच दो का दो तीन का लघुत्तम छः यानी कि गुना करते नहीं लगता तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, पाँच तीन का लघुत्तम 15 होता है। ठीक है, सात तीन का लघुत्तम 21 होता है, तो मतलब पी क्यू का लघुत्तम पी क्यू होगा, मतलब नहीं लगता तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी ये दोनों अलग अलग है, तो इसका भी LCM हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नहीं लगेगा अलग अलग है तो गुना कर देंगे ना। अच्छा फिर हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ। देखो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करोगे तो आप मेरे प्ले लिस्ट में पहुँच जाओगे। तो ट्रिगोनोमेट्री नाम से प्ले लिस्ट होगा, उस पर मैं बहुत सारा वीडियोज क्लासेस दिया हुआ हूँ, उसको आप देखो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, बहुत लाभ मिलेगा, तो पक्का उसको देखो। ठीक है, तो आपको एक फील आ जाएगा, आपका मन तृप्त तृप्त हो जाएगा, यानी कि इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि कहने लायक नहीं। ठीक है, और पक्का से पक्का आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब को तो कर ही दो। ठीक है, एकदम अच्छा से, और शेयर भी कर देना, और कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं कुछ भी अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर देना, और हमें सजेस्ट भी आपका सब्सक्राइब के साथ साथ हमको आपका सजेशन भी चाहिए। आप बोलेंगे सर सजेशन किस बात की, मैं कहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ अच्छा से। ठीक है, क्या चीज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ टाइम पर, कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, किस बुक से आपको पढ़ना है, कुछ भी आप हमें कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं मुझसे कर देता हूँ 9708845466 यानी कि ये 9708845466, इस पर भी आप हमें व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, गुरु चला के बीच में कोऑर्डिनेशन तब कब होता है जब गुरु का बात चला समझता है और चला का बात गुरु समझता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ भी बताऊंगा ना तो चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आपका भी हमको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, हम रहेंगे एटीट्यूड में कि चलो हम ही जो है वो है, हमारे साथ टीचर को है ही नहीं दुनिया में, तो ये मेरी वेब कॉपी होगी, ऐसा नहीं है। आपका भी मैं बात सुनूंगा कि मेरा बच्चा लोग कहाँ पे सब्सक्राइब किया है तो क्यों किया है। ठीक है, कुछ तो रीजन होगा, चैनल में कुछ तो देखा होगा इसलिए सब्सक्राइब किया है, तो आपको खुश करना मेरा प्रथम ड्यूटी है। ठीक है, प्राइमरी मेरा मतलब ड्यूटी है आपको खुश करना है, और आप लोगों का क्या जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि सर कुछ हो बता रहे हैं तो सब में हाँ। ठीक है, आप बोले नहीं सर हमको यहाँ पे आने समझ में आता, हमको ये नहीं ये बुक से करना है। ठीक है, ऐसे तो ये होता है, तो दोनों मिल के फ्यूचर का निर्माण करता है, गुरु चेला दोनों मिल के। ठीक है, तो शिष्य और गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो कब होगा, जब आप अपना दिल का बात हमें बताइएगा, हम आपको दिल का बात हम आपको बताएंगे, जब हम कभी जो चीज़ में सक्षम नहीं रहेंगे तो बोल देंगे देखो इस वीडियो को ये क्लास फलाना फलाना हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। ठीक है, तो आप हमें पक्का पक्का सब्सक्राइब कर देना। क्लियर, तो देखो इसको कितना पढ़ेंगे ये आएगा, तो उसके लिए इसको क्या देंगे ऊपर न्यूमरेटर में, इसको नीचे देंगे, तो मतलब हमको नहीं पता है कि इसको कितना अपन लिया जाएगा। देखो अगर आप ठीक ठाक आप स्टूडेंट हो, बचपन से पढ़े हो, तो इसको इसको कर देंगे, ये बच्चा इसको एक से करेंगे, यहाँ पर उतार दो। ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो इसको क्या दो आप ऊपर दो, इस टाइप का
को नहीं पता है तो इसको क्या दो ऊपर दो न्यूमरेटर में हर में, इसको क्या दो नीचे दो, देखो कट गया ये बचा, इसको आप एक से मल्टीप्लाई कर दो तो वही ना आया पूरा, फिर इसको कितना पड़ गया आएगा ये और ये कट गया तो ये बचा, इसको एक से करो तो वही आ गया। अब देखो अब इसको ऐसे करके लिख सकते हो ना, आपको नहीं पेंसिल चलाना, मैं आपको समझाने के चला रहे, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, इसको अलग करके और इसको अलग करके, ये कुछ ऐसा है कि देखो आप इस टाइप का लिखोगे, बताओ ये जो है ये कैसे आया होगा, इसको तोड़ के आया होगा नहीं होगा, ये अगर आंसर है मान लो तो इसका क्वेश्चन तो ये होगा ना, इसी को बनाया है ठीक है ना, तीन तीन का गौतम तीन होगा, तीन तीन मिल गया तीन तीन का पाँच, इस हिसाब से ठीक है, यानी कि देखो ये इसको तोड़ा होगा तभी आया होगा, इसको तोड़ा होगा तभी ये आया होगा ठीक है, यानी कि इसको एक वाली दी, इसको एक वाली दी, इसको एक वाली दी, लिख सकते हैं उसी तरह, यहाँ भी वही किया, फिर इसको तोड़ मतलब इसको आप अलग कर दो, गुना सो भी कर दो आप, देखो नहीं भी कुछ रहेगा तो गुना नहीं रहेगा चोर, क्लियर। अब देखो ये से ये उड़ गया तो ऊपर में कितना बचा, एक बटे को सो स्क्वायर प्लस ये से ये क्या हो गया उड़ गया, इसको ऐसे फिर उतार दो, अब देखो एक बटे को सो स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, फिर प्लस वन बटे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक चीज और करना, देखो यहाँ पे आप इसे करके प्लस लिखो ना, तो यहाँ भी आप इसे करके कर दो, मतलब पैटर्न को फॉलो करो, तो अगर आप यहाँ पे इसे करके लिखो यहाँ पे होता अच्छा यही होगा, इसी टाइप का लिखो ठीक है, यहाँ पे एक जैसा लिखो, मतलब सुंदर लगेगा देखने में, बाकी कोई रीजन नहीं है ठीक है, ऐसे करके सुंदर लगेगा देखने में, आपको इतना घंसना नहीं है ठीक है, सुंदर लगेगा देखने में, बाकी देखिए ये सब नॉर्मल बात हुआ, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ पैटर्न नाम का भी कोई चीज़ होता है ना, तो देखिए आप एक बार ऐसे लिखो आपको खराब लग रहा है देखने में ठीक है, तो आप क्या करो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, देखो ऐसे लिखो कितना अच्छा लगेगा देखने में, या तो ऐसे लिखो ठीक है, तो हम सजेस्ट करेंगे इस टाइप का अच्छा लग रहा है देखने में ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड हो गया, आप तो उसको सेकेंड मेथड भी बना सकते हो, ये तो गया आर एच एस हो गया, तो आर एच एस बोलते हैं दाप, दाप यानी कि दाया पक्ष, राइट हैंड साइड यानी कि दाप पक्ष, प्रूफ लिख दो हेंस प्रूफ या प्रूफ, आप इसके आगे सजाते रहो सो लिखे हेंस प्रूफ लिख दो, हेंस प्रूफ पी आर ओ बी डी प्रूफ सके दो, सेकेंड मेथड देखो सेकेंड मेथड क्या है, वही वही टाइप का है, देखो ये है ना इसे कैसे करके उल्टा से बना दो, उल्टा करके बना दो इसको ऐसे करके, देखो मैंने ऐसे एक बार ऐसे किया कॉपी उल्टा ऐसे करके बनाएंगे, ये मेरा पहला स्टेप हो जाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे आ जाएगा, देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ सेम टू सेम, मतलब रिवर्स उसका, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा आर एच एस, क्योंकि आप तो पहले ये बना लिए हो ना, तो ये बराबर ये करोगे तो इसका नाम क्या है आर एच एस है, क्योंकि ये दाएं हाथ की तरफ है इसलिए ठीक है। अच्छा इसको उतार दो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक बटे कोस स्क्वायर थीटा गुने इसका क्या हो जाएगा एक बटे साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा बराबर, आखिर खींचेंगे कोस स्क्वायर थीटा एक को गुना मतलब कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का गुना करेंगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, और एक एक को गुना करेंगे एक। अब हमको एक बात बताओ, खरबूजा को देखे खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से लोग अपने आप को बदलता है, जैसा सिचुएशन होगा वैसा बदल देगा, तो देखो यहाँ का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बोलोगे सर एक का तो बहुत सारा होता है यही क्यों लिए, देखो मैंने अभी क्या बोला कि सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है, तो डिनोमिनेटर को देख के न्यूमिनेटर बदला, तो डिनोमिनेटर में सोचा कि कोस और साइन सब है तो इसलिए कोस साइन का फॉर्मूला मैंने ऊपर लगा दिया, टेन कोट रहता तो ऊपर में टेन कोट, मतलब जैसा नीचे रहता है ना उस हिसाब से मैं ऊपर का फॉर्मूला लगा देता, तो नीचे में क्या है कोसाइन है तो इसलिए ऊपर में भी साइन कोस का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है वो लगा दिया, क्योंकि नीचे भी उस टाइप का है, नीचे को देख के मैंने मतलब प्रणाम बनाया यानी कि डिनोमिनेटर को देख के। अच्छा हो गया, अब देखो सेम टू सेम बन गया ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे वही वाला अप्लाई होगा, यानी कि इस टाइप का देखो अभी कुछ देर पहले आपको बताया ना ये ऐसे करके ये टाइप का, तो इसको ऐसे करके उतारो, फिर जोर इसको ऐसे करके उतार दो,
साइनस कॉस है, कॉस कॉस थीटा इंटू साइनस कॉस थीटा है, इससे ये कट गया, क्या बचा, एक बटे कॉस कॉस थीटा जोर, इससे ये कट गया तो क्या बचा, एक बटे साइनस कॉस थीटा, बचा कि नहीं बचा, क्लियर। अब इसका आगे तो आप लोग खुद भी कर लोगे, क्या होगा इसका आगे, इसका फॉर्मूला लग जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपको नहीं घसना है, ठीक है, इसको ऐसे करके एक बार लिख दिए वही बोला यहाँ पे, ठीक है, अभी 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 मैंने बताया ना, इसको इसको एक जगह लिख दिया, इसको वही भी अप्लाई करेंगे तो ये से ये कट गया, क्योंकि इंटू का साइन है तो साइनस का थीटा से साइनस का थीटा कट गया, ठीक है, साइनस का थीटा से साइनस का थीटा से साइनस का थीटा कट गया तो एक बचा, तो एक बटे कोसोस का थीटा जोड़ तो जोड़, यहाँ पे कोसोस का थीटा से कोसोस का थीटा कट गया, यहाँ पे एक बचा एक बटे साइनस का थीटा, एक बटे साइनस का थीटा, अब तो आपको उसके आगे बन जाएगा तो एक बटे कोसोस का थीटा तो क्या हो जाएगा, सेकस का थीटा हो गया ना, इसका इसका फार्मूला, फिर यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस इसका क्या हो जाएगा कोसोस का थीटा, ठीक है आ गया, तो क्या आ गया एल एच एस नहीं आया, एल एच एस आ गया उल्टा ने बनाए तो यहाँ पे एल एच एस लिख देंगे तो हो गया प्रूफ, मार दो खत्म। आई होप आप समझे होंगे, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है, और प्लीज आप हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दो, ठीक है, और कमेंट करो, जैसा कि मैंने आपको कुछ बातें बताई कि आपका सपोर्ट चाहिए, आप सजेस्ट करो आपको कि कौन सा किताब का कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, क्या चाहते हो चैनल पर किस लेवल का एजुकेशन आप लोग को मिले, लेकिन हाँ वन एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करिएगा, ठीक है, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा आप लोग को खुश करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।